लिए प्लीज प्लीज मुझे किसी ऐसे इंसान से मिलना है जो मेरी हेल्प कर सके। मैं पैसों की कोई टेंशन नहीं, मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ओके अभी हाँ मैं पहुंच जाऊंगी। बिंदु कहाँ जा रही हूँ? किसी काम से। इतनी देर रात क्यों? क्या मैं कुछ पल चैन से अपनी दोस्त से मिलकर रो भी नहीं सकती अपने बेटे के लिए? बेटा तो मैंने भी खोया है बिंदु। ऐसे वक्त में अगर हम एक दूसरे का सहारा नहीं बनेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो सॉरी, इस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। मुझे बस अकेले रहना है। वैसे भी तुम लोगों के पास तो चॉइस है ना कि शायद अमल अंदा को जिंदा किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास तो नहीं है ना मेरे बेटे के लिए। शिवाय एक बात पूछूं, मैं अपने पापा को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बस इतना जानना चाहता हूं कि हम जो कर रहे हैं तो श्योर है ना? मैं अपने दिल की सुन रहा हूं वीर, पहली बार, और मैं कुछ सुनना भी नहीं चाहता। जानता हूं आसान नहीं, बस मेरे पे ट्रस्ट रखना। बॉस आप मुझसे नाराज हैं, आपने मुझे वार्निंग भी दी थी, लेकिन मैं सच में मानता हूं कि अमल नंदा जैसे इंसान को एक मौका तो मिलना ही चाहिए। कितना स्ट्रगल किया है मैंने तंज को मारने के लिए, अब अमल नंदा को वापस लाने के लिए थोड़ी मेहनत तो बनती है ना बॉस। रही मेरी बात तो मैं अपनी सजा काटने के लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं अपना दुख अपने तरीके से हल्का कर लूंगी। मामा जी, समझ में नहीं आ रहा है मुझे कि मैं बिंदु को कैसे समझाऊं। कितनी देर रात वो पता नहीं कहां जा रही है, किससे मिलने जा रही है। मामा जी आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों जाते हैं उनका पीछा करते हैं, हम उनका ख्याल रखेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बंटू, और टेंशन भी हो रही है मामी की और वीर शिवाय की भी, पता नहीं क्या कर रहे होंगे। बस सेफ हो वो। लारा काम डाउन, हमें भरोसा रखना होगा। देखो एक सुपर हीरो है और एक सुपर हीरो का पावरफुल भाई है। वीर शिवाय को कुछ नहीं होने देगा और शिवाय अपनी पूरी पावर लगा देगा वीर को सेफ रखने के लिए। हाँ, रही बात मामी की, हमें ना हम उनका पीछा करेंगे, उनको सेफ रखेंगे। ये ब्रह्मलोक है, यहां से हम अनेकों लोकों में विचरण कर सकते हैं, समय सीमा से परे। हमें जब भी किसी मनवांतर तक पहुंचना होता है तो हम शुरुआत यहीं से करते हैं। ये सरल नहीं है, परंतु असुर समाज के लिए ये करना पड़ता है। हमें निश्चित करना होगा कि अंगूठी को प्राप्त करने के युद्ध में असुरों के साथ जो भी अन्याय हुआ उसे सही किया जाए, और ये संभव है।
विकत मनवांतर में जाकर। ध्यान रहे, केवल हमारी आत्मा ही यात्रा करती है मनवांतरों की, हमारा शरीर यहीं रहता है। आत्माओं को शीघ्र अति शीघ्र लौटना आवश्यक है। देख वीर, मैं मृत्युजीवनी मंत्र करूंगा, लेकिन तू अमल नंदा का खून है, इसलिए तुझे भी इसमें पार्ट लेना पड़ेगा। तेरा ब्लड, तेरी एनर्जी, इन्हीं सब से इन्हें जिंदा करने की पावर मिलेगी। थोड़ा ब्लड, थोड़ी एनर्जी इनकी बॉडी में हमें ट्रांसफ्यूज करनी होगी। एग्जैक्टली जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, राइट? हाँ, कह सकते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ ब्लड नहीं दे रहे, एनर्जी भी है, इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा। मैं विद्या वाला पार्ट कर लूंगा, लेकिन एक्चुअल ट्रांसफ्यूजन तुझे करना है वीर, जिसमें इस रिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन शिवाय, अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? तुझे कुछ हो गया तो? यहां तो मेरे लिए नहीं आया, इनके लिए आया। और ब्रो, मैं असुर हूं, महादेव का भक्त, मैं खुद को बचा लूंगा। मैं शायद अपने आप को ना भी बचा पाऊं वीर, लेकिन तेरे पापा और नंदा को वापस लाने की पूरी कोशिश करूंगा। शिवाय, हमने आपस में कितनी लड़ाई करी, मैंने तुझे धमकाया, तुझ पर अटैक किया, पर फिर भी तू ये सब मेरे लिए कर रहा है भाई। देख, मैं जानता हूं कि हम यहाँ पापा को बचाने के लिए आए, और तू खुद को भी बचा लेगा, लेकिन फिर भी यार चिंता तो होती है ना, आफ्टर ऑल तू मेरा भाई है। डर मत वीर, अपने अंदर का जो डर है ना, निकाल दे, कुछ नहीं होगा। तुझे महादेव ने चुना है वीर, महादेव ने। तेरे पास ये रिंग है, इस रिंग पर भरोसा रख। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Click the show links and enjoy watching the videos.